हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और मैं अनिल सैनी आज आपके लिए एक फिर दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम लेवलिंग करते हैं तो हमने लेवलिंग करते समय बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह में भी लेवलिंग की होगी। जैसे हम प्लेन टेबल का लेवल करते हैं, और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा डंपी लेवल होता है, उसकी लेवलिंग करते हैं। और काफ़ी सारे सर्वे के हमारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उन सब के अंदर एक बबल वाला, एक जैसे ये बबल वाला लेवल होता है, तो वहाँ पर हम इन सब का यूज़ करते हैं। तो आज मेरे पास एक ये इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये हमारा बबल वाला जो लेवल है, लेवल इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें तीन टाइप से हम लेवलिंग को मेजर कर सकते हैं। पहला यहाँ पर दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है। ये हॉरिजॉन्टल का है, ये भी हॉरिजॉन्टल का ही है, और वैसे हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ये वाला है इंक्लाइंड के लिए। अगर हमें कोई भी किसी भी चीज़ का जो इंक्लाइंड हो उसका लेवल करना हो, तो हम इसमें इसका यूज़ करते हैं, इस वाले लेवल का। तो अब इसमें लेवल के लिए हम इसको पहले भी स्कूल टाइम में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो लिक्विड होता है, ये या तो कोई अल्कोहलिक टाइप का लिक्विड होता है, जो कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये जो हमारा बबल है, ये बिल्कुल इन दो लाइनों के सेंटर में आना चाहिए, तभी ये क्या होता है, लेवल माना जाता है कि जिस चीज़ के ऊपर भी हमने इसको रखा है वो लेवल में है या नहीं है। ऐसे यहाँ पर दे रखा है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो इसी तरीके से ये यहाँ पर अगर सेंटर में आती है तो लेवल मान लिया जाता है, अगर अदरवाइज इसको लेवल नहीं माना जाता। अभी देखिए ये लेवल में नहीं है, तो इस वजह से बबल साइड में मूव हो रखा है। अगर मैं इसको लेवल करना चाहूँगा तो इस तरीके से ये लेवल में आ गया, इतना इसमें अंतर है। और इसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल में इसको देखता हूँ यहाँ पर इस तरीके से रख करके, तो ये मेरा यहाँ पर कुछ लेवल जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी फ़िलहाल ये भी लगभग सेंटर में ही है, ज़्यादा कोई गैप नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरीके से लेवल में है ये। और ये वाला जो है, ये पोर्शन होता है इंक्लाइंड वाले के लिए। जब हमारा कोई कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर हमें इंक्लाइंड जगह पर उसको लेवल करना होता है कि वो पोर्शन लेवल में है या नहीं है, एक जैसा है कि नहीं है, उस जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला लेवल जो है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, 100 से लेकर के 150 रुपये में आसानी से। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और इसकी खास बात यह है कि आप इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जैसे किसी लकड़ी का लेवल किया है आपने, जो कारपेंटर होते हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जो लोहे का काम करते हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे, और सिविल वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ही ज़रूर। तो इसका लेवल का यूज़ क्या होता है, वो सब लकड़ी वाला क्या है, लकड़ी को देखेगा कि लकड़ी हमारी लेवल में कटी हुई है कि नहीं कटी हुई है। लोहे वाला भी ऐसे ही देखेगा कि लोहे का जो हमारा एंगल है, टी आयरन है या प्लेट है, वो लेवल में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि लोहे वाला किस तरीके से चेक करेगा, जो लोहे का काम करता होगा फैब्रिकेशन वाला, तो वो किस तरीके से इसको यूज़ करेगा। लकड़ी वाला क्या, सिंपली इसको इस तरीके से उठा के कहीं भी रख देगा, उसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पे लेवल है कि नहीं। अभी देखो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये मेरा लेवल में शो कर रहा है कि यहाँ पर जो ये लकड़ी है, इस तरीके से जो है, यहाँ जो लकड़ी इस तरीके से लेंथ वाइज में ये लेवल में दे रखी है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली देखता हूँ तो हॉरिजॉन्टली में ये इसके अगर सेंटर में आएगा तो लेवल में है, अदरवाइज ये सेंटर में नहीं होगा। अगर मैं किसी दूसरी जगह पर देखता हूँ, किसी दूसरी चीज़ को लेवल करके, अगर मैं इस वाली जगह पर देखता हूँ, यहाँ देखिए इस जगह पर देखता हूँ, तो अब ये देखो कि यहाँ पर जो हमारी बबल है ये राइट साइड में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इस तरफ जो है लेवल के जो है डिफेक्ट हो रखा है। कि अगर मैं इधर से क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से अप करूँगा, तो तब जा कर के मेरा ये बबल सेंटर में आ जाएगा। इसका प्रिंसिपल यही होता है कि अगर बबल लेफ़्ट में जा रहा है तो राइट से उठाना होता है, राइट में जा रहा है तो लेफ़्ट से उठाना होता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो है अब लोहे की जगह को लेवल कैसे चेक किया जाता है उसको चेक करके बताता हूँ, किस तरीके से लोहे वाली जगह पर या लोहे की किसी वस्तु का या चौखट है जो भी है वहाँ पर लेवल को किस तरीके से चेक किया। ये आप निशान देख रहे हो यहाँ पर यू टाइप के, ये निशान होते हैं मैगनेट के, तो ये मैगनेट के निशान होते हैं। हम इसको
मैग्नेट का यूज़ कैसे करते हैं, एक से एक हमारा इस तरफ मैग्नेट का निशान है, एक इस तरफ मैग्नेट का निशान है। तो दोस्तों मैग्नेट वाली जगह को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैग्नेट जो है आसानी से लोहे के ऊपर चिपक जाती है। और इसमें देखिए, अगर ये एंगल सही है, अगर ये एंगल सही वे में लगी होगी तो ये बबल जो हमारा सेंटर में आएगा। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट है, ये लेवल में नहीं है। अगर मैं इसको नीचे से थोड़ा सा उठा देता हूँ, नीचे से नहीं उठेगी ये, थोड़ी ऊपर से उठेगी। तो ऊपर से देखिए, थोड़ा सा उठाने पर ये सेंटर, अब सेंटर में आएगी। तो इसका मतलब ये जो गैप आ रखा है ना, इतना अंतर इसके अंदर है कि या तो ये दरवाज़ा लेवल में नहीं लगा है, या फिर ये एंगल थोड़ा सा डिफॉल्टेड हो सकती है। अभी ये मैग्नेट का निशान जो इसलिए होता है ताकि आप मैग्नेट के हेल्प से किसी भी लोहे वाली चीज़ पर चिपका करके आसानी से लेवल चेक कर सको। अभी ये वर्टिकल में हमने इसको देखा है, अगर मैं इसी को हॉरिजॉन्टली में चेक करना चाहता हूँ तो हॉरिजॉन्टली चेक करने के लिए मैं इसको निकाल करके यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया और मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अगर ये बबल सेंटर में होगा तो लेवल सही है। ये देखिए, इसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट आ रखा है, ये बिल्कुल सही है एकदम, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ये बबल जो है हमारा बिल्कुल सेंटर में आ रखा है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये एंगल लगी हुई है, यहाँ से लेकर ये पाइप जो लगा हुआ है, खोखला पाइप लगा है दरवाज़ा बनाने के लिए, यहाँ तक जो है ये, तो ये बिल्कुल एकदम सही है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि इसमें बबल ट्यूब के अंदर जो हमारा बबल है वो बिल्कुल सेंटर में आ रखा है, ये देखिए। और ये मैग्नेट की हेल्प से अभी जो फ़िलहाल में चिपक रखा है। आप जब भी मार्केट से लेंगे कभी भी, तो आपको ऐसा लेवल लेने का यही फ़ायदा रहेगा कि आप इसको लोहे लकड़ी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ लोहे लकड़ी में ही यूज़ करेंगे, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम अपनी दीवार को भी इसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी सिविल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो सिविल के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हम चेक करके देखते हैं कि सिविल वालों के लिए भी कैसे इम्पोर्टेंट होता है। कि देखिए, अगर इस वॉल का प्लास्टर सही होगा तो यहाँ पर दिखाई देगा, ये सेंटर वाला बबल देख रहे हैं आप, इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये प्लास्टर थोड़ा सा डिफॉल्टेड है, डिफेक्ट है इसमें, तो इस वजह से ये बबल जो है मूव कर रहा है। अब ये सेंटर में हो चुका है, इसका मतलब ये जो गैप बन रखा है, ये इतना गैप प्लास्टर में हो रखा है। अगर मैं इसको ऐसे चेक करना चाहूँ तो ऐसे भी चेक कर सकता हूँ, सामने से, ये सामने से थोड़ा सही, मैक्सिमम तो ठीक ही है, लेकिन वर्टिकली पोर्शन में ये थोड़ा सा डिफेक्ट हो रखा है इसमें। अगर मैं इसको इस तरीके से चेक करना चाहूँगा, ये जो इंक्लाइंड वाला पोर्शन है, तो मैं इसको कैसे चेक करूँगा, इसको पहले किसी इंक्लाइंड वाली जगह पर रखूँगा। इंक्लाइंड वाली जगह पर रखने के लिए बबल मेरा कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, अभी फ़िलहाल में तो वही इंक्लाइंड वाली चीज़ है नहीं, इस तरीके से। अगर कोई हमें 45 डिग्री का एंगल वगैरह मेजर करना है, वो देखना है कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि इस वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो, आप मुझे बताना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। थैंक यू दोस्तों।